पुरानी संस्था नहीं है। अब हमारी संस्था को बने में मात्र 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन हमने इस संस्था के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। इस मौके पर मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी हमारे एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमारा हर पग पर हर समय साथ दिया है, वो है मिस्टर मोहित अग्रवाल। साथ मेरा पूरा परवरिश योगदान का ग्रुप है। इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग किया था, हम दो ही लोग थे जिसने सोचा था कि चलो हम कुछ करते हैं करके। ये है मेरी साथ में शशि जी, जिन्होंने हम दोनों ने मिलकर सोचा था कि हम कुछ शुरू करते हैं। हमने जब शुरू किया तब हम दो ही थे, लेकिन हमने धीरे धीरे अपने इस काफिले को बढ़ाया और आज हमारे इस ग्रुप में 26 से 27 लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही है। हम लोगों की संस्था कोई बहुत पुरानी संस्था नहीं है, परंतु हमने इसमें इतने बड़े काम किए हैं कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि हमने अभी रिसेंटली ही अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन तक भी करा दिया। शायद इतना जल्दी रजिस्ट्रेशन होना किसी संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है। छोटे बच्चे जैसे गांव के बच्चे हैं, गांव के स्कूलों में प्योरीफायर नहीं होता है जहाँ से बच्चों को गंदा पानी पीना पड़ता है। ये जितने बच्चे गरीब हैं या फिर जो भी ज़रूरतमंद है, हम उन लोगों की मदद करें और इस ग्रुप का नाम बहुत आगे करें। परवरिश योगदान संस्था की एक सदस्य हूँ। मेरी दोस्त नीरू जैन ने मुझे इस परिवार का अकीमती सदस्य बनाया, जिसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। सबकी सेवा करके, सबको प्यार देके हमें बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत ही सुकून मिलता है। हम आगे ऐसे बहुत सारे काम करते रहेंगे और ऐसे ही अपना परिवार और भी बड़ा और भी विशाल बनाएंगे। विनंती आहे सर्वांना की कृपया तुम्ही गाडी चालवताना कमीत कमी हॉर्नचा वापर करा, जेणेकरून सर्वांना आणि आम्हाला देखील त्याचा फार त्रास होणार नाही। की सेवा की है। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल में गए थे, वहाँ पर हमने 19 बच्चों की फीस भी पे की है। आगे हम लोग इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। हमारी संस्था का मोटो है कि हम लोग जरूरतमंदों और ऐसा है लोगों की सेवा कर सके। बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है। धन्यवाद। बेसिकली ये जो ग्रुप है परवरिश योगदान संस्था, ये सब घरेलू महिलाओं ने और सब आपस में जुड़ के जो होते हैं ना, एक सब घरेलू महिलाएं अपनी जो बोलते हैं ना बचत, वो बचत से उन्होंने अपना 500-500 रुपये निकाल के और अपना डोनेशन करके इन्होंने अपना 40-50 लेडीज़ ने मिलकर एक संस्था बनाया और आज ये हमारा परिवार एक इतना बड़ा रूप ले चुका है कि हर महीने हम एक दो एक सी एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कि लोगों के जैसे समझो कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहाँ पर ये सब लेडीज़ जाती हैं, कोई राशन वगैरह देना है या मान लीजिए कोई समझिए बच्चों को बुक्स वगैरह चाहिए। अभी जैसे पीछे हमको पता चला कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों से हमारी बात हुई तो बोला सर हमको एक ऐसा मैसेज देना है नो होंकिंग का, जिससे कि लोग कम से कम हॉर्न बजाए, तो वो हमको आके मिले परवरिश योगदान संस्था के माध्यम से। आज हमने शनिवार के दिन हमने ये प्रोग्राम रखा नो होंकिंग के लिए और आगे भी हम हर 3 या 4 शनिवार को हम यही काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रुप जो है ना सब घरेलू महिलाओं का ग्रुप है, इनका अपना ग्रुप है, जिन्होंने ये समझ के लिया कि नहीं हमको समाज के लिए कुछ करना है, तो मतलब सबसे सब इनको अंदर से फीलिंग और सब करने वाले भी ये लोग खुद हैं।
ये जब मैं स्टार्टिंग से जब से ये संस्था बनी थी, जब हम जुड़े दो तीन लोग मिलके हम ऐसे ही आपस में, भाभी ने बोला नीरू जैन जी ने कि हमको भैया एक गुस्सा ऐसा कुछ करना चाहिए, तो दो तीन जनों से हमने शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रुप आज ये इस मुकाम तक पहुँच गया है और फिर हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया हमारा। आज हमारी परवरिश योगदान संस्था रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, जिससे कि हमको कहीं कुछ काम करना है, कहीं डोनेशन किसी को देना है या हमको कहीं कोई कैंप वगैरह लगाना है तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा मेन मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बन के ज़रूरतमंदों को तो हम अपना योगदान कब पहुँचा सकें। मेरी पोस्ट सेक्रेटरी की है, ये काम हमें दिल से बहुत खुशी देता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो औरों के लिए करें वो सबसे बड़ी बात होती है। हमारा मोटिव है कि हम जो भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ाना, शिक्षित करना।